तो हेलो दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अफीस और आप देख रहे हैं कब शब विद अफीस। तो दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम द सीजन 2। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भौकाल सीजन 2 की, जिसको लेकर मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हाई हो गई थी, क्योंकि इसका सीजन 1 तो कमाल का था और सेम एक्सपेक्टेशन सीजन 2 से थी। लेकिन भाई, सिंपली यही कहना चाहता हूँ कि सीजन 1 सीजन 2 के कंपेयर से थोड़ा कम ही है। और इसका सीधा रीज़न ये है कि भौकाल सीजन 1 जो 2 साल पहले आया था, भौकाल सीजन 2 में काफ़ी गैप हो गया है। और इस बीच हम काफ़ी वेब सीरीज देख चुके हैं जो सेम स्टोरी पर बेस्ड है, और सीजन 2 भी कुछ नया नहीं दिखाता है। और दोस्तों, इसके सीजन 2 में टोटल 10 एपिसोड्स हैं और पहला एपिसोड 40 मिनट का है, लेकिन बाकी के एपिसोड्स 30 से 35 मिनट के हैं। और दोस्तों, इसके सीजन 2 में हमें मोहित रैना के अलावा सिद्धांत कपूर, गुलकी जोशी, विदिता बाग, रश्मि राजपूत और प्रदीप नागर जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। और दोस्तों, बात करें अगर भौकाल सीजन 2 के प्लॉट की, तो इसका सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहां इसका सीजन 1 एंड होता है, जहां मोहित रैना उर्फ SSP नवीन सिकेरा ने शौकीन गैंग को खत्म कर लिया है और उनका नेक्स्ट टारगेट है मुजफ्फरनगर से क्राइम को एकदम ही फ्री करना। और उनका नेक्स्ट टारगेट है देड़ा ब्रदर्स, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में खूब उत्पात मचा कर रखा है और वो कई सारे क्राइम कर चुके हैं। अब दोस्तों, मोहित रैना इन सब से कैसे टैकल करेगा और कैसे मोहित रैना पॉलिटिक्स और माइंड गेम से सरवाइव कर पाएगा, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसमें परफॉर्मेंस की, तो मोहित रैना पहले सीजन की तरह ही इसमें भी स्टनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए हैं और उन्होंने सीजन 1 का फ्लो सीजन 2 में भी कंटिन्यू रखा है। लेकिन दोस्तों, इसके सीजन 2 की मेन हाईलाइट है प्रदीप नागर, भाई उनकी परफॉर्मेंस तो लाजवाब है। हालांकि दोस्तों, इस सीरीज में सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी लाजवाब है, लेकिन प्रदीप नागर इज द बेस्ट अमंग देम ऑल। और इस सीरीज में वो काफी स्केरी लगे हैं और साथ ही साथ ये रोल भी उन पर एकदम फिट बैठ रहा है। भाई उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके डायलॉग डिलीवरी, भाई हर चीज उनकी कमाल की लग रही है। और इनका बखूबी से साथ देते हुए नजर आ रहे हैं सिद्धांत कपूर, भाई उन्होंने भी काफी बढ़िया काम किया है। और इसके अलावा विदिता बाग एंड गुलकी जोशी का क्रूशल रोल भी काफी बढ़िया तरीके से किया है। अब दोस्तों, बात करें इसके एडिटिंग की, तो एडिटिंग में मुझे थोड़ी बहुत कमी लगी, क्योंकि पहले 5 एपिसोड आप देख लेंगे तो आपको भी काफी डल सा महसूस होगा और आपको लगेगा कि इस तरह की वेब सीरीज आप बहुत बार देख चुके हैं। लेकिन एपिसोड 6 से यहाँ से पेस गेन होता है और एपिसोड 6 से आप इस वेब सीरीज पे चिपक से जाओगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे निराश करता है इसका VFX, भाई VFX काफी थर्ड क्लास का है। सीरीज के लोकेशंस अच्छे हैं, इसमें जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफी अच्छा है। लेकिन दोस्तों, इस वेब सीरीज को मेरी राय है कि आप अकेले ही देखें, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ देखेंगे तो फैमिली आपको चप्पल मार सकती है, क्योंकि इस सीरीज में हर जगह जगह पे गालियां यूज की गई हैं। तो ओवरऑल दोस्तों, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप फ्री में कोई वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो भौकाल सीजन 2 आप जरूर देख सकते हैं। और ये वेब सीरीज आपको निराश तो नहीं करेगी, लेकिन सीजन 1 के तरह ये इतनी ज्यादा ग्रेट भी नहीं है। बस ये एक वॉचेबल वेब सीरीज है जो आप आराम से देख सकते हैं, और डेफिनेटली आप इसमें जितने भी एक्टर्स हैं सबके परफॉर्मेंस जरूर पसंद करने वाले हो। फिलहाल दोस्तों, मैं भौकाल सीजन 2 को रेट करने वाला हूँ 3.7 आउट ऑफ 5 स्टार्स। दोस्तों, 10 एपिसोड की ये वेब सीरीज MX प्लेयर पे फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।